में अनेक पांडुलिपियों से प्राप्त हुआ है। कई संस्कृत ग्रंथकार, जिनमें से कुछ संगीतज्ञ भी थे, उन्होंने अपने काल की इन परंपराओं को लिपिबद्ध करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। परिमाण स्वरूप ये सांगीतिक अवधारणाएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं। लगभग 2 दशक पहले तक संगीत विद्वानों और कलाकारों ने संगीत सिद्धांत और व्यवहार को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा था। कई कलाकारों को ने शास्त्रों को मृत जीवाश्म, डेड फॉसिल मानकर इसका खंडन भी किया, क्योंकि उनके अनुसार संगीत की अवधारणाओं और परिभाषाओं में बीती सदियों में कई परिवर्तन हुए जिनका आधुनिक काल में कोई उपयोग नहीं है। आज के कलाकार जो संगीतज्ञ भी हैं और शोधार्थी भी, अपने शोध के माध्यम से इस अंतर को जोड़ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे स्वयं की लापरवाही कारण अनेक पांडुलिपियों लिपियां आज नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि IGNCA की मैं बहुत आभारी हूँ कि ओरिएंटल पांडुलिपि अनुसंधान पुस्तकालय कार्यवट्टम तिरुवनंतपुरम में अपनी माँ डॉक्टर लीला ओमचेरी के साथ अपनी PhD की यात्रा के दौरान जब पहुंची तो हमें वहाँ चित्र रामायण के ताड़पत्र की पांडुलिपियां दिखी, जिसमें कि रंगीन चित्र थे जो कि धूमिल पड़ चुके थे, कुछ जगहों पर कीड़े लग चुके थे और निचले भाग में फंगस भी लग चुका था। 1993 में स्वर्गीय डॉक्टर कपिला वाटसायन जी ने IGNCA का नेतृत्व करते हुए हमें उन सभी पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करने, फोटो फिल्माने और IGNCA के आर्काइव्स के लिए दस्तावेज बनाने का कार्य सौंपा। हमने लगभग 98 पांडुलिपियों की पहचान करी, जिसमें बालकांडम, अयोध्या, अरण्यकांडम, किष्किंधा कांडम सब सम्मिलित थे। इसी तरह 1928 में छपी तिरुवनंतपुरम की संस्कृत पुस्तकालय से प्राप्त बृहदेशी की 2 पांडुलिपियां भी आज उपलब्ध नहीं है। शार्दुला जैसे ग्रंथकारों के ग्रंथ, जिनका बाद में ग्रंथकारों ने उल्लेख किया, आज हमें प्राप्त नहीं है। 12 स्वरों के द्वादश स्वर मूर्छना, जिसका व्याख्यान मतंग ने किया है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जगदेक मल्ल की संगीत चूड़ामणि ग्रंथ में केवल ताल, राग और नृत्य ही उपलब्ध है। पार्श्वदेव की संगीत समयसार के ग्रंथ का पूरा प्रथम भाग और दूसरे भाग के 40 अध्याय अब उपलब्ध नहीं है। इनके अलावा इन पांडुलिपियों का पाली, ब्राह्मी व प्राकृत जैसे शौरसेनी, महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान ना होना, या पांडुलिपियों में अक्षरों का शुष्क हो जाना या उसमें त्रुटि होना, इन सभी कारण इनका व्याख्यान करना कठिनाई और चुनौतीपूर्ण रहा है। इन पांडुलिपियों की महत्ता को जानने के लिए आज हमारे बीच वरिष्ठ वक्ता प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी उपस्थित हैं, जो हमें संस्कृत ग्रंथों की इन पांडुलिपियों के संपादन और उनकी उपयोगिता के संबंध में अपने अध्ययन एवं विचारों से अवगत कराएंगे। उनसे निवेदन है अपना व्याख्यान हमारे समक्ष रखें। धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, मेंबर ऑफ सेक्रेटरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, प्रोफेसर प्रताप आनंद झा जी, डायरेक्टर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रोफेसर दीप्ति भल्ला जी, डीन संगीत फैकल्टी संगीत संकाय प्रमुख दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डॉक्टर संघ मित्रा वासु जी, संयोजक प्रकाशन राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, संचालक महानुभाव, सभी सुधी श्रोतागण, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के राष्ट्रीय और इंदिरा गांधी कला केंद्र दोनों का आभारी हूं कि मुझे आज इस विषय में कुछ बोलने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। आज के इस व्याख्यान में संगीत के संस्कृत ग्रंथों का परिचय देने के पूर्व, संगीत की जो हमारी परंपरा है वो वेद में उसके क्या स्वरूप प्राप्त होते हैं,
उससे लेकर के और वर्तमान में संगीत के संस्कृत ग्रंथ की जो पांडुलिपियां हमें प्राप्त होती हैं उनके विषय में विचार करेंगे, अनंतर उनके संपादन और फिर आज उनकी क्या उपयोगिता हो सकती है इस पर प्रकाश डालेंगे। पहले मेरा मंगलाचरण वैदिक मंगल है जिसमें कि ये संगीत के तत्वों का उल्लेख हुआ है और यह मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा का, मैं उसको सस्वर पढ़ रहा हूँ। हरि ओम मा नृत्ताय सूतांगीताय शैलूकं धर्मा यासाभाचारन्नारिष्टाय भीमालन्नर्माय रे भग्न असाय कटिमानन्दा यस्त्रीखकं प्रामादे कुमारी पुतरं मेधायै रथकारैर्भैर्जाय तक्षाणम्। यह मंत्र का तात्पर्य है, इस मंत्र का, नृत्य कला के प्रदर्शनार्थ में सूत को नियुक्त करता हूँ, गीत गायन हेतु शैलूस अर्थात नट या संगीतज्ञ को, धर्म विचार के लिए सभाचर अर्थात सभा और समाज के शास्त्रीय पक्ष के विशेषज्ञ को, नरिष्ठा अर्थात देवता विशेष के लिए पशुपलंभन हेतु भीमल को अर्थात भयंकर व्यक्ति को, नर्म अर्थात परिहास के लिए रेव अर्थात बाचाल को, हास परिहास हेतु कार्य अर्थात कारण हेतु विशेष को, आनंद के लिए स्त्री मित्र को, प्रमद अर्थात प्रकृष्ट बलवान के नियंत्रण के लिए कुमारी पुत्र का तात्पर्य यहाँ पर गणेश से है या बुद्धिमान जो है उसको, और मेधा की प्राप्ति हेतु रत्कार अर्थात रथ निर्माणकर्ता को तथा धैर्य की प्राप्ति हेतु तक्षा अर्थात सूत्रधार को नियुक्त करता हूँ। इस मंत्र में संगीत विषयक नृत्य गीत इन दो का प्रयोग हुआ है। गीत के लिए शैलूष को नियुक्ति की बात कही गई है। शैलूष शब्द नाट्य कर्म का प्रमुख पात्र कहा जाता है जो गीत वाद्य नृत्य तीनों का ज्ञाता होता है और विशेष रूप से ताल वाद्य का विशेषज्ञ माना जाता है। संगीत का मूल स्रोत सामवेद को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सामवेद को अपना स्वरूप बताया है वेदा नाम सामवेद उसमें। यद्यपि सामवेद मूल में स्पष्टतया संगीत के मूल प्राप्त नहीं होते, परंतु उनका जो गान है उसमें संगीत के स्वरों का षड्ज आदि का प्रयोग होता है जिसका विवरण साम प्रातिशाख्यों नारद शिक्षा आदि में स्पष्ट इसका उल्लेख होता है, जिस पर प्रकाश अभी हम आगे इस पर कहेंगे। भगवान को संगीत अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं, मैं ना तो वैकुंठ में और ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, मेरे भक्त जहाँ गुणानुवादों का गान करते हैं, हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। संगीत का प्राचीन नाम गांधर्व भी है। गांधर्व शब्द का अर्थ है गंधर्वेभ्यः आगतम गांधर्वम अथवा गंधर्वो देवता अस्य तत् गांधर्वम। इसके विषय में भी लिखा भी है, पदस्थ स्वर संघातस्तालेन संगतस्तथा प्रयुक्तश्चावधानेन गांधर्व मित्यविधीयते। गांधर्व शब्द की व्याख्या इसमें, अर्थात पदस्थ जो स्वर का समूह है, ताल है, उससे जो संगति होती है और उसमें जो अवधान अर्थात अत्यंत जो है चित्त को एकाग्र करके जो उसका हम प्रयोग करते हैं तो गांधर्व है। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि चित्त के स्थिरता के लिए संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। गंध का तात्पर्य है संगीत वाद्य जनित प्रमोद, तो गंधम अरवति प्राप्नोति इति गंधर्वः। और इस तरह से गांधर्व शब्द संगीत विद्या का प्रमुख ग्रंथ जो सामवेद का उपवेद कहा जाता है उसको गांधर्व वेद कहते हैं, पर संप्रति मूल रूप में यह उपलब्ध नहीं है, किंतु अनेक प्राचीन संस्कृत में जो लिखित संगीत के ग्रंथ हैं
उनको हम गांधर्व वेद का प्रतिनिधि मान सकते हैं। और गांधर्व के ये जो गांधर्व वेद के जो मूल तत्व हैं हमें वैदिक साहित्य में भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में गीताय, गीर, गात, गाथा, गायत्र, गीति, गाय, साम आदि शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। उदाहरणार्थ एक मंत्र आपके सामने प्रस्तुत है, इंद्र पिबतुभ्यम सुतो मदायवास्य हरि विमुचा सखायः उत प्रगाय गण आनिषद्याथ यज्ञाय गृणते वयोधा। इसमें प्रगाय अथ यज्ञाय गृणते इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से इन शब्दों के द्वारा ये ज्ञात होता है कि गान विद्या का स्वरूप ऋग्वेद काल में भी उपस्थित था। ऋग्वेद में शस्त्र और स्तोम नामक ऋचाओं का प्रयोग किया गया। इसमें जिन ऋचाओं का गान नहीं होता है, बिना गान के ही जिनका प्रयोग होता है, उनको शस्त्र कहते हैं, अप्रगीत मंत्र साध्य स्तुति शस्त्रम। और जिनका गान हो करके उन ऋचाओं का पाठ होता है उनको स्तोत कहते हैं, प्रगीत मंत्र साध्य स्तुति स्तोमम। इसमें स्तोत ऋचाएं गानार्थ प्रयुक्त होती हैं। यजुर्वेद में जिन मंत्रों में संगीत तत्व प्राप्त है, जिसका उल्लेख हमने मंगलाचरण के रूप में किया, इसके अनंतर भी एक मंत्र है जिसमें महसे वीणा वादम क्रोशाय तूणवत गाम अवरम पराथ शंखभ्याम क्वानाय आदि शब्दों में जो है वीणा का, तूणवत का इत्यादि का प्रयोग होता है। अब ये प्रश्न ये होता है कि ये जो वाणी का स्वरूप है ये कैसे वाद्यों में प्राप्त हुआ। इसका बड़ा सुंदर एक आलंकारिक वर्णन तैतरीय संहिता में प्राप्त होता है। उसमें कहा गया है कि जो वाणी है वो देवों से अपक्राम हो करके जो यज्ञ में विद्यमान थी वह वनस्पति में प्रविष्ट हुई, और वह जो वनस्पति में प्रविष्ट हो करके जब वनस्पति से हम धुंधवी का निर्माण करते हैं, मृदंग का निर्माण करते हैं, वीणा का निर्माण करते हैं, तो जो वो ध्वनि होती है या जो वो शब्द होते हैं, स्वर होते हैं, वही वाणी के स्वरूप का है। मंत्र इस प्रकार है, वाग्भी देवेभ्योपक्रामत यज्ञाया तिष्ठमाना सा वनस्पतिन प्राविशत सैषा वाग वनस्पतिषु वदति या धुंधवो या तूणवे या वीणायाम। सामवेद के मंत्रों में जैसा हमने बतलाया कि उसमें अनेक प्रकार के गान होते हैं, और ग्राम गेय ज्ञान, आरण्य ज्ञान, ऊह ज्ञान, ऊह ज्ञान, ये चार प्रकार के गान माने जाते हैं। और इन मंत्रों का विवरण भी है जिसमें जो दो मुख्य शाखाएं इस समय प्राप्त होती हैं, जैमिनी शाखा और कौथमी शाखा, एक रायणी शाखा का है जिसका दक्षिण भारत में विशेष प्रचार है। तो उसमें ग्राम गेय गान के जैमिनी शाखा में 1232 मंत्र हैं, आरण्य गेय गान के 291, ऊह गान के 1802 और ऊह य ज्ञान के 356। इस तरह से अन्य शाखाओं में भी इनकी संख्या है। सामवेद में प्रयुक्त होने वाले जो सात स्वर हैं उनके थोड़ा नाम भिन्न भिन्न है। जैसे सात स्वर होते हैं सारे गामा पाधा नी, उसी तरह से इसमें दूसरे ढंग से इनका उल्लेख है, कृष्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंद्र अति स्वार्य। इन्हीं सप्त स्वरों के अवांतर भेद भी सात हैं, प्रत्युत्क्रम अतिक्रम कर्षण स्वार विनत प्रणत उत्सरित अभिगीत। और इन सात स्वरों की भी पांच पांच श्रुतियां होती हैं जिनका नाम है मृदु मध्या आयता दीप्ता और करुणा। इनके भेदों भेद भी जो है उता प्रभुयसा शिवा वारा मही इन नामों से जाने जाते हैं। इनका विशद विवेचन जैसे हमने पहले कहा था साम प्रातिशाख्य में, नारदी शिक्षा में और लोमशिनी शिक्षा आदि ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में संगीत विषयक शब्दों का एक उल्लेख, एक मंत्र यहाँ पर उपस्थित है, ये शालाः परिनित्यन्ति सायं गर्धव नादिनः कुशीला ये च कुक्षिलाः ककुभाः करुणाः स्त्रियः तानोषधे त्वं गन्धेन विशूचीनां विनाशय इत्यादि रूप में यहाँ पर परिनित्रण का
और गायन का उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में और आरण्यक ग्रंथों में भी संगीत विषयक अनेक तत्वों का उल्लेख होता है, यथा यहाँ पर ऐतरेय आरण्यक का एक उल्लेख है, अथ खल्लुयम दैवी वीणा तदनुकृति रसौ मानुषी वीणा भवति यथास्या शिरः एव मुख्या शिरः यथास्या उदरमेव अमुख्या अम्भणम यथा हि इयम् लोमशेन चर्मणा पिहिता भवति एव असौ लोमशेन चर्मणा पिहिता लोमेन हस्म पुरा वीणा अपि दधाति। अर्थात जो वीणा है वो दो प्रकार की है, एक वीणा दैवी वीणा है और एक मानुषी वीणा है, अर्थात देव के द्वारा हमारा शरीर भी एक वीणा है, इसमें भी तार है, इसमें भी झंकण होता है। उसी तरह से जो वीणा का जो मनुष्य निर्माण करता है उसमें भी झंकण होता है, तो एक ढंग से शरीर रूपी वीणा का वो एक प्रतिबिंब स्वरूप जो निर्मित वीणा है। ऋग्वेद में भी ऋग्वेद का जो सांख्यायन ब्राह्मण है सर्वप्रथम उसमें तीनों का उल्लेख प्राप्त होता है संगीत के तत्वों का, वो है नृत्य गीत और वादित। इसमें स्पष्ट लिखा है सांख्यायन ब्राह्मण में त्रिविधई ही शिल्पम नृत्यम गीतम वादितम। इस प्रकार सर्वप्रथम संगीत के इन तीनों स्वरों का विवरण प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में भी वीणा का उल्लेख होता है, यदा वै पुरुषः श्रियं गच्छे तदा वीणास्मै वाद्यते। अर्थात जब पुरुष किसी जो है उत्कर्ष को प्राप्त होता है तो उसके लिए उसके कल्याण के लिए वीणा का वादन किया जाता है। तैत्तरीय में उपनिषद जो है ब्राह्मण उसमें भी यही उल्लेख है, श्रिया वा ये तद रूपम यद वीणा, सौभाग्य का स्वरूप है जो यह वीणा है। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में भी कहा गया है तस्माद् उगायताम नाशनीयात् मलेन हेते जीवन्ति, जो गायन नहीं करते हैं अगर वो भोजन करते हैं तो वस्तुतः मल का भक्षण करके जीवन करते हैं। और आगे लिखा है तमेव देव तमेत देव साम गायन न त्रायतो, अर्थात इसीलिए सभी जो है देवता आदि साम का गायन करते हैं और वो उनकी रक्षा करता है। यद गायत्रायत तद गायत्रस गायत्रम, जो गायन करने वाले का रक्षण करे उसी को गायत्र कहते हैं, वही गायत्री छंद का स्वरूप है। जैमिनीय ब्राह्मण में वृहता स्तोत्रे धुंधवीन उद्वादेत, इस रूप में धुंधवी शब्द का उल्लेख हुआ है। पंचविंश ब्राह्मण भी महादेवी प्रतिभा धुंधवीन उद्वादयंति, इस रूप में वहां पर भी उल्लेख है। और संगीत शब्द का प्रथम उल्लेख वाराहु उपनिषद में, संगीत ताल लय वाद्य वशंगतापि मौलिस्थ कुंभ परिरक्षण धीर नटीव सर्वा चिंताम परित्यज सावधाने न चेतसा नाद एवानुसंधेय योग साम्राज्य मिच्छता, इस रूप में प्राप्त होता है। संगीत शब्द के लिए जो प्राचीन नाम है, जैसे का उल्लेख हमने पूर्व में किया था, गांधर्व शब्द का ही प्रयोग मिलता है। वाल्मीकि रामायण में गांधर्व शब्द का प्रयोग लवकुश के लिए आया हुआ है, तौत गांधर्व तत्पगो स्थान मूर्छन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वा विवरूपिणौ रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषितौ बिंब दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहा तथा परौ। आचार्य भरत ने संगीताध्याय में संगीत शब्द के लिए गांधर्व शब्द का ही प्रयोग किया है। यत्तु तंत्रीगतम प्रोक्तम नानाद्योत समाश्रयम गांधर्व विधि विज्ञेयम स्वर ताल पदाश्रय। गांधर्व शब्द की व्याख्या करते हुए आगे, और जैसा अभी हमने उल्लेख किया था आरण्यक का, उसका पूरा उल्लेख भरत ने किया है अपने में, एतेषां चै वक्ष्यामि विधम विधिम स्वर समुत्थितम द्वदिष्ठाना स्वरागेया वैणा शारीरकास्तथा। एक वैणा माने वीणा में एक स्वर का स्वरूप है, एक शारीरिक वीणा जो उसमें स्वरूप है। उभाभ्यामि वक्ष्यामि विधम स्वर समुत्थितम, और दोनों के स्वरों का हम वर्णन कर रहे हैं, क्यों कि जो गांधर्व है अर्थात संगीत विद्या है वो तीन का आश्रय करके रहती है, गांधर्वम त्रिविधम विद्यात स्वर ताल पदात्मकम। तो इस तरह से ये इनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ संप्रति हम जिनका उल्लेख करना चाहते हैं
कि इसमें जो सर्वप्रथम प्रधान है कि जो संगीत में है वो रागों का गायन, और उसमें है स्वर का जो स्वरूप मुख्य रूप से है। स्वर किसको कहते हैं? श्रुत्यंतर्भावीय स्निग्धो नरुणात्मक सतो रंजयति श्रोत्र चित्तम सस्वर उच्यते। स्वर के विषय में जो स्वतः सबका रंजन करे, इसमें थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि किसका रंजन होता है रागों के द्वारा और किसका नहीं होता है। प्रायः हम लोग देखते हैं कि लोग गीतों को अन्य चीजों को सुनते हैं, आनंदित भी होते हैं, सुख को भी प्राप्त करते हैं। सुख और आनंद में थोड़ा सा भिन्नता है। सुख इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है और आत्मा आनंद को प्राप्त करता है। सुख इंद्रिय और विषय के संबंध से होता है। जैसे आपका कान आंखों का विषय, अत्यंत सुंदर वस्तु है वो आंखों का विषय है। जब तक सुंदर वस्तु सामने है उसका आपको सुख मिलेगा, वो वस्तु आंख से ओझल होगी वो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार कर्णों के लिए सुंदर शब्द सुनने को मिलेंगे, जब तक सुनेंगे तब तक वो उसका सुख मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। इसी प्रकार भोजन का सुख, जिह्वा जब तक भोजन है सुख लेगी, बाद में नहीं। किंतु जो आनंद का जो स्वरूप है वो आत्मा का विषय होने से इंद्रियां उसका माध्यम तो बनती हैं, किंतु सुख न होकर के वो आनंद का स्वरूप होता है। सुख का स्वरूप होता है अनुकूल वेदनीय, जो हमको अच्छा लगे। तो अच्छा लगना और आत्मविस्मृत होना, दोनों में अंतर है। राग का जो स्वरूप हमको केवल सुख पहुंचाए तो वो राग का स्वरूप नहीं है, वो केवल एक जो है सुख का साधन हो सकता है। किंतु जब आत्मविस्मृति उत्पन्न करे तो वो आनंद का स्वरूप होता है। जब संगीत आत्मा से निकलता है, जब संगीत को हम उसकी उपासना के रूप में रखते हैं, तो ऐसा संगीत हमारे आत्मा को तृप्त करता है और वो अविस्मृत स्वरूप रहता है। आप जब भी एकांत में होते हैं और जब भी स्वतंत्र होते हैं, उस किसी के द्वारा उस वाद्य का या उस गायन का स्मरण करके और आत्मविस्मृत आप हो जाते हैं, वो आनंद का स्वरूप है। तो इस संगीत की स्थिति जो इतनी प्रबल है, उसका हमारा जो परंपरा हमारी है, जिसको हम कई रूपों से जो उसका हम स्वरूप प्राप्त करते हैं, उनका हम कहां कैसे ज्ञान करेंगे? क्या हमारी परंपरा है? परंपरा दो है। एक तो हमारी परंपरा है श्रुति परंपरा। श्रुति का मतलब जो हम गायन या वादन इत्यादि की शिक्षा अपने गुरुजनों से प्राप्त करते हैं, जिसके कई घराने हैं, जहां जहां लोग जाते हैं और अपने अपने घराने के साथ, वो घराने आपके दक्षिण भारत में भी है, उत्तर भारत में है। और दूसरी एक परंपरा है वो आपकी शास्त्रों की परंपरा, या उसको लिपि परंपरा या ग्रंथों की परंपरा। क्योंकि जो भी आचार्य, आज तो बड़े साधन है, हम लोग रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और बहुत दिनों तक रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं। कोई यंत्र अगर गड़बड़ भी हो गया तो पुनः उसका नवीनीकरण हो जाता है। किंतु पूर्व में क्या साधन थे हमारे पास? वो साधन थे हमारे ग्रंथ, जिनको हम आज भी प्राप्त कर रहे हैं और पांडुलिपियों के रूप में है। भारत की बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर वो पांडुलिपियां विद्यमान है, जिसकी चर्चा अभी आचार्य दीप्ति भल्ला जी ने अपने विचार में उन्होंने बतलाया था। मैं कुछ उन पांडुलिपियों का जो है उल्लेख करना चाहूंगा, और इसके बाद उनके संपादन का क्या स्वरूप बनेगा और कैसे करना चाहिए उसकी चर्चा मैं करता हूं। संस्कृत की संगीत पांडुलिपियों का विवरण, चूंकि मैं वाराणसी से संबद्ध हूं, वाराणसी का एक समृद्ध पुस्तकालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का, जिसको सरस्वती भवन पुस्तकालय कहते हैं। इसमें अनेक शास्त्रों की पांडुलिपियों के साथ साथ संगीत की भी लगभग 39 पांडुलिपियों का विवरण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें जिनका मैं वाचन करता हूं। गीतालंकार, राग निरूपण, संगीत दर्पण, सोदाहरण, राग तत्व विबोध, रागाख्यानम, गीत गंगाधर, रागोत्पत्ति, संगीत दर्पणम, काशी गीतम, संगीत दर्पणम, संगीत सारोद्धार, श्री शंकरी संगीतम, रागमाला,
ताल प्रस्तावः संगीत रत्नाकरः गायन प्रकाशः जानकी गीतम गीत गोविंदम वीणा वादन प्रकारः संगीत संगीत दामोदरः संगीत मुकुंद महाकाव्यम संगीत शास्त्रम राग रागणी माला संगीत दामोदरः संगीत गोविंदः राग रत्नावली संगीतम संगीत रत्नाकरः संगीत रत्नाकर के दो तीन ग्रंथ इसमें हैं, रागमाला संगीत रघुनंदनम और संगीत ग्रंथ विशेष से दो ग्रंथ हैं, संगीत प्रकीर्ण पत्राणि सितार वादक ग्रंथः नर्तन निर्णयः ताल प्रकरणम ताल प्रकरण के दो ग्रंथ हैं और ताल लक्षणम एक 39वां ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त तो बहुत सी पांडुलिपियां हैं जो तत्त्व पांडुलिपि संग्रहालयों में प्राप्त होती हैं, जिनमें कुछ का विवरण में जो मुझे मिला है कई स्रोतों से जिनका उल्लेख मैंने किया है उनका मैं परिचय देता हूं। दत्तिलम बृहद्देशी भरतभाष्यम मानसोल्लास संगीत चूड़ामणि संगीत रत्नावली अभिलषितार्थ चिंतामणि अभिनय भूषणम संगीत सुधाकर संगीत समय सारह भाव प्रकाशनम संगीत कलिका संगीत श्रृंगारहारः रागारणवम ये वही रागारणव ग्रंथ है जिसका मैंने संपादन किया है और पांडुलिपि मिशन से ये प्रकाशित भी है। संगीत मकरंदः संगीत विद्या विनोदः राजकंदर्पः भरत संग्रहः सारंगधर पद्धतिः संगीतोपनिषत् सारः संगीत सारः सिंह भूपाल टीका वसंत राजीय नाट्य शास्त्रम संगीत सार मलिका कलिका संगीत राज संगीत दामोदर हरत हस्त मुक्तावली संगीत चिंतामणि संगीतामृतम संगीत कल्पतरु राग दीपिका रंग लक्ष्मी विलास स्वरमेल कला निधि सदराग चंद्रोदय रागमाला राग मंजरी मेल राग दीपिका संगीत सूर्योदय संगीत सर्वस्वम संगीत चंद्रिका संग्रह चूड़ामणि राग विबोध संगीत सुधा चतुर्दंड प्रकाशिका ये चतुर्दंड प्रकाशिका पांडुलिपि मिशन से प्रकाशित है। संगीत दर्पणम संगीतारणवम संगीत चंद्र संगीत भास्कर संगीत सुधा निधि संगीत सार संग्रह वेदकृत संगीत मकरंदः संगीत पुष्पांजलिः संगीत पारिजातम संगीत सारोद्धारः संगीत सारोद्धार ये दो हैं, एक हरिभट्ट के द्वारा विरचित है एक कीकराज शारदा नंदन के द्वारा विरचित है, दोनों का नाम एक है परंतु लेखक अलग अलग हैं। संगीत कला निधि राग तत्व विबोधः हृदय प्रकाशः हृदय कौतुकम राग तरंगणी संगीत सारामृतम संगीत नारायणः राग कुतूहलम भाव भट्ट विश्चित ग्रंथः ये भाव भट्ट के द्वारा विरचित ये छह ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख मैं कर रहा हूं। अनूप संगीत विलास अनूप संगीत रत्नाकर अनूप संगीत रत्नाकर दो हैं और अनूप सागर अनूप संगीत वर्तमानम अनूपोद्देशः ये ग्रंथ उनके द्वारा माने जाते हैं। भरत नाद दीपकम संगीत कौमदी चत्वारिंशत् शतराग निरूपणम कलांकुर निबंधः संगीत चंद्रोदयः राग प्रदीपः संगीत राग लक्षणम संगीत सारः राग कल्पद्रुमः वाचस्पतिः संगीत कल्पद्रुमः संगीत सरणिः संगीत मुक्तावली। इस तरह से ये अनेक ग्रंथ हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है क्योंकि समय हमारे पास कम है इसलिए अधिक से अधिक विचार करेंगे। ये मेरे द्वारा लगभग जो है 132 ग्रंथों का अतिरिक्त और 39 ग्रंथों का लगभग 160 ग्रंथों का उल्लेख है जो कि संगीत से संबद्ध है। इसमें अनेकों का प्रकाशन हुआ परंतु बहुत से ऐसे ग्रंथ है जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है, उनका प्रकाशन करना अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि इनका ग्रंथों का संपादन कैसे किया जाए, तो संपादन के लिए भी आवश्यक है
कि हम उस पर ध्यान दें और कौन कौन से ऐसे संपादन की चीजें हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए संपादन करते समय, और संपादन करने का पहले अगर हम पाठ संपादन करते हैं तो उनके क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्योंकि जो एक कलाकार है उसका जो मुख्य है, और संगीत का वास्तविकता यह है कि आप चाहे जितना भी आप व्याख्यान दे दें, अगर संगीत में आपका अभ्यास नहीं है तो कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं। संगीत वस्तुतः ये क्रिया प्रधान है, जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही वो आपके साथ में वो एक स्वरूप में रहेगा और लोक रंजक का उसका स्वरूप बनेगा। किंतु यदि आप उसमें अभ्यास आपका नहीं है तो आपके संगीत की कोई कीमत नहीं, केवल व्याख्यान से संगीत का स्वरूप नहीं होता है। किंतु उन ग्रंथों का भी आवश्यक है, यदि आपने अभ्यास किया है। हमारे यहाँ महाभाष्य में एक कथन है, उसमें प्रश्न हुआ है कि प्रयोगे धर्म आहुषित ज्ञाने, शब्द प्रयोग में धर्म होता है कि शब्द ज्ञान में धर्म होता है, और उसका उन्होंने समाधान किया कि शास्त्र ज्ञान पूर्वक शब्द प्रयोगे धर्म। ठीक यही बात लागू होती है संगीतज्ञों के लिए। आपने बहुत अच्छा अभ्यास करके संगीत का ज्ञान किया है, किंतु संगीत का जो रहस्य है उसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए, उसके क्रिया पक्ष के साथ साथ उसका जो शास्त्र पक्ष है उसका। अगर शास्त्र पक्ष का ज्ञान करके आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें एक अतुलनीय स्वरूप उसका प्राप्त होता है। तो उन शास्त्रों के जो ग्रंथ है उनका संपादन हम कैसे करें, तो पांडुलिपियों में लिपिकर्ता के अनवधान, असावधानी, अज्ञानवश शब्द जो है वो सदुष्ट होते हैं, अपने अभीष्ट अर्थ को नहीं दे पाते हैं, रचनाकार के अभिलषित अर्थ के विपरीत अर्थ, प्रासंगिक अर्थ प्राप्त होने लगते हैं, अर्थ की संगति नहीं बनती है। तो ऐसे अनेक मात्रिकाओं को, हस्तलेखों को लेकर के उनका पाठ संपादन किया जाता है, जिसे सही पाठ रहे और जो अभिलषित अर्थ को दे। तो किसी भी ग्रंथ के संपादन के पूर्व उस ग्रंथ की पांडुलिपियों को प्राप्त करना अत्यावश्यक है, जो अलग अलग क्षेत्रों से संबद्ध हैं। यह आवश्यक नहीं कि पांडुलिपियां किसी एक ही लिपि में निबद्ध हों, क्योंकि वे देवनागरी के अतिरिक्त ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, अंग लिपि, बंग लिपि, मागधी लिपि, द्रविण लिपि आदि अनेकों लिपियां इसकी हो सकती हैं, जिसका उल्लेख आचार्य दीप्ति भल्ला जी ने किया है। और वस्तुतः ललित विस्तार नाम का एक ग्रंथ है जिसमें 64 लिपियों का उल्लेख है, और प्राप्त पांडुलिपियों के उनके उत्तम और अनुत्तम स्वरूप का परिज्ञान करके प्रत्येक मात्रिका की श्रेणी का निर्धारण हम लोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सबसे अच्छी जो पांडुलिपि है जिसका पाठ या जिसका पठन सही ढंग से हो पाता उसको क श्रेणी में, उससे कुछ अवर है उसको ख श्रेणी में, इसी तरह ग श्रेणी में, घ श्रेणी में आदि में उनका हम वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद पांडुलिपियों के स्वरूप का हम निश्चित करते हैं कि पांडुलिपियों का संबद्ध इनका क्या स्वरूप है, क्योंकि जितनी पांडुलिपियां हैं उनको हम 4 भागों में विभक्त करते हैं, दृष्ट साहित्य, उत्कीर्ण साहित्य, प्रोक्त साहित्य और कृत साहित्य में। ये जो हमारा जो संगीत शास्त्र की जो ग्रंथ है, ये कृत साहित्य और श्रुत साहित्य दो के अंतर्गत इनको हम मान सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे जो शास्त्रज्ञ हैं जिन्होंने पहले शुरू में अपने गुरुजनों से सुन करके उसका अभ्यास किया और बाद में उसका लेखन किया, तो श्रुत साहित्य के अंतर्गत हुआ है। और किसी ने उनका जो है परंपरा से ज्ञान करने के पश्चात ग्रंथों से भी ज्ञान किया और उसके एक अलग ग्रंथ का जो रूप दिया वो कृत साहित्य के अंतर्गत आता है। तो इन पांडुलिपियों ग्रंथों के संपादन को हम संपादक जो है वो 3 श्रेणियों में पाठों का संपाद करता है। पहला है प्रतिलेखन पद्धति से पाठ संपादन, दूसरा है संदोहन पद्धति से पाठ संपादन, और तीसरा है वंश वृक्ष पद्धति से पाठ संपादन। तो प्रतिलेखन पाठ संपादन का जो स्वरूप है कि पाठ संपादक व्यक्ति को कभी कभी ग्रंथ की एक ही प्रति पांडुलिपि प्राप्त होती है, नहीं मिलती है, जैसे मुझे केवल 2 पांडुलिपि मिली थी रागरणों के संपादन में, और उसमें भी कई बीच बीच में त्रुटित था, खंडित था। तो यहाँ पर भी अपठनी होता है अथवा स्वतः त्रुटित होता है, ऐसी अवस्था में जो उदारवादी पाठ संपादक है
अपठित या त्रुटित अंश के स्थान में ग्रंथ के प्रसंगानुसार वाक्य की संरचना कर कोष्ठक में उसका संयोजन कर देता है। और एक होता है उसी में रूढ़िवादी संपादक, वो क्या करता है कि जो पांडुलिपि का स्वरूप प्राप्त होता है उसी रूप में उसको रखता है और उसको किसी एक मिलते जुलते पाठ को नहीं उपस्थित करता। तो उससे एक लाभ तो होता है कि उस पाठ का स्वरूप मिलता है, किंतु ग्रंथ की अपूर्णता हमेशा रहती है। मेरे सामने एक ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत मकरंद, ये संगीतकार हाथरस से प्रकाशित है। इसमें इन्होंने जो पाठ का संपादन किया कई जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है और कई जगह पर जो है डाट डाट करके उसको छोड़ दिया, उसको रखा नहीं। अब जो अगर मान लीजिए कोई इसको पढ़ना चाहता है या उस पर कुछ काम करना चाहता है तो वहां पर वो कैसे कर सकता है? तो विद्वान संपादक को चाहिए कि उस स्थल पर प्रसंगानुसार उस वाक्य का परिकल्पना करके और उनको वहां पर उसको देना चाहिए, जिससे लोगों को ये ज्ञान हो कि ये अंश ये संपादक के द्वारा ये पूरा किया गया है, वस्तुतः ये पाठ का हिस्सा नहीं है परंतु उस प्रसंगानुसार उस विषय को वो दे रहा है। इसी तरह से अनेक और विषय हैं जिनका पाठ संपादन होता है। संदोहन पद्धति में जो पाठ संपादन है, जहां पर अधिक जिसकी पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं और का सही पाठ है, तो वहां संदोहन पद्धति अपनाई जाती है और उनके गुणवत्ता को ध्यान में रखकर के पाठ का चयन किया जाता है। वंश वृक्ष पद्धति में जो पाठ संपादन है उसमें उसके चार क्रम होते हैं। प्रथम में पांडुलिपियों का अनुसंधान करना, द्वितीय में पांडुलिपियों प्राप्त पांडुलिपियों का संशोधन करना और तृतीय में प्राप्त पांडुलिपियों के पाठ का सुधार कर या संशोधन करना और चतुर्थ उपक्रम में सभी पांडुलिपियों के गुण देश के आधार पर निष्पक्ष भाव से उनकी समीक्षा करना। इस तरह से पाठ संपादन के विषय में ये जो सर्वमान्य सिद्धांत है उन्हीं का आश्रण यहाँ पर भी होता है। एक अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में पाठ संपादन के विषय में बताया है, उपादेयस संपाठा तदन्यस्य प्रतीकनम स्फुटाख्या विरोधानां परिहार सुपूर्णता लक्ष्यानुसार श्लिष्ट वक्तव्यांश विवेचनम संगति पौनरुक्त्यानां समाधान मनाकुलम संग्रहश्चेत्ययम् व्याख्या प्रकारोत्र समास्थितः। तो इस तरह से अनेक विषयों का इसका संपादन होता है। अब एक दूसरा विषय हमारे समक्ष है कि हमने बड़ा परिश्रम करके इनका संपादन भी कर दिया, प्रकाशन भी हो गया, इनकी उपयोगिता क्या है? आज का जो विद्यार्थी जो पढ़ रहा है या जो आचार्यगण संगीत के हैं वो वस्तुतः जो क्रियात्मक पक्ष के ही विशेष में ध्यान देते हैं, इनके इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है, क्यों इनमें परिश्रम किया जाए? इसके दो लाभ हैं। सर्वप्रथम तो उस प्राचीन संगीत का जो स्वरूप है उसका ज्ञान हम नहीं कर सकते अगर हम इन प्राचीन ग्रंथों का, संस्कृत के ग्रंथों का अवलोकन नहीं करते। आज चाहे दक्षिण भारत का संगीत हो चाहे उत्तर भारत का संगीत हो, वो दिनों दिन अपने रूप में परिवर्तन करते जा रहा है। जहां पहले पूरे 22 श्रुतियों के माध्यम से और स्वरों का गान होता था, उत्तर भारत में भी पहले जहां पर ग्राम गान अनेक प्रकार के गान होते थे, इसके बाद जो है ध्रुपद गान प्रारंभ हुआ, संप्रति ख्याल गान प्रसिद्ध है, उसी तरह से दक्षिण भारत में यदि अपने पद्धत को लिए हैं परंतु भी स्वर का जो प्रयोग है, जो स्वरूप है, उससे भिन्नता वहां पर भी आई हुई है। तो हम अपने प्राचीन धरोहर की सुरक्षा करने के लिए हमको इन ग्रंथों की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरे, स्वरों का जो स्वरूप है, आप स्वरों को लगा लेंगे, जैसे आपके उत्तर भारत में 12 स्वरों का प्रयोग है, संप्रति दक्षिण भारत में 12 स्वरों का प्रयोग है, किंतु 18 स्वरों का जो प्रयोग हो रहा है या उससे और अधिक स्वरों का प्रयोग हो रहा है, उसका ज्ञान बिना इन ग्रंथों के माध्यम से आप नहीं जान सकते। तो अपनी प्राचीनता को उसको सुरक्षा देने के लिए, अपने धरोहर की संरक्षण करने के लिए और उस प्राचीन ज्ञान को आज नव्य स्वरूप में उनको उपस्थापित करने के लिए, रागों के उस समय के प्रसिद्ध का स्वरूप और इस समय के प्रसिद्ध स्वरूप का भी ज्ञान करना चाहिए। मैंने रागारणों के व्याख्यान के समय पर रागारणों में जो पठित राग हैं उनका संप्रति क्या स्वरूप है, कहाँ किस रूप में प्रसिद्ध है, उनका मैंने उल्लेख किया था समीक्षा के संदर्भ में, और साथ में उत्तर भारतीय
रागों का दक्षिण भारतों में भारतीय पद्धति से कैसे गायन होगा, अथवा दक्षिण भारतीय पद्धति के रागों का इस समय कैसे गायन हो, उसका भी उल्लेख हमने उसमें किया है। तो आज सबसे बड़ा जो आवश्यक है कि इन पांडुलिपियों का संपादन हो, इसका उल्लेख हो, और उसके साथ साथ उसका हम आज के संदर्भ में भी इनका उपयोग करें, क्योंकि समय बहुत कम है, विषय बहुत बड़ा है। और मैं यहीं पर अपने व्याख्यान को पूर्णता प्रदान करने के पूर्व आप सभी विद्वज्जनों को, सभी श्रोतागणों को और पांडुलिपि मिशन इंदिरा गांधी कला केंद्र को सभी को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मैम आप बोले। हाँ एक मिनट, मैं दिखाई दे रही हूँ क्या? आई थिंक आई गॉन बैक। हाँ जी मैम, एक मिनट, यू जस्ट कम बैक। धन्यवाद प्रोफेसर शुक्ला जी, आपका ये जो आज आपने जो अपने विषय के बारे में हमें अवगत कराए, उससे बहुत सी चीजें हमें समझ में आई हैं। विशेष रूप से ये जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, जैसे बोलते हैं कोडिफिकेशंस ऑफ ओरल एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के ऊपर अक्सर वार्ता होती है, और इसमें डिबेट भी हुए हैं कि शास्त्र प्रयोग को एक साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने अंत में बताया है कि हम 12 स्वरों के बारे में, 22 श्रुतियों के बारे में ज़रूर जानते हैं, 12 स्वरों के बारे में भी जानते हैं, मगर जब बात आती है उनसे अधिक स्वरों के बारे में जानकारी रखनी है, वो क्या है वो ऐसे 18 स्वर, तो हमें ये ग्रंथों को वापस रेफर करना पड़ता है उन पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझने के लिए। और मुझे इसमें याद आता है कि 14 स्वर जो है आटूर कृष्ण पिशारडी ने संगीत चंद्रिका में 14 स्वरों का भी विवरण किया है। तो इन सब का हम जब तक उस ग्रंथ के पूरी तरह नहीं समझते हैं, और ग्रंथ में जो लिखा है उसको समझना भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और जब तक हम इसको नहीं समझ पाते हैं उसका व्याख्यान करना, उसकी भाषा जब तक हम नहीं समझते हैं उसकी पूरी तरह स्पष्ट रूप से और सही ढंग से उसकी व्याख्या करना बहुत ही एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। और अनेक, जैसे आपने बताया कि जो रूढ़ी जो स्कॉलर्स हैं जो ग्रंथों को केवल उसको एनालाइज नहीं करते हैं, वैसे का वैसे ही जो छापते हैं या लिखते हैं उसको, उनके साथ सबसे बड़ा ये एक 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 शायद वहाँ से त्रुटि हो जाती है कि अगर ग्रंथकार ने कुछ वहाँ पे गलत लिखा है तो वह वैसे का वैसे ही छप जाता है। ये बात सही है, शायद यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स हुए हैं जिसमें बहुत गुणी जन हैं स्कॉलर्स, जैसे हमारे कपिला जी थे, हमारे प्रेमलता शर्मा जी थे, हमारे ऐसे कई थे, डॉक्टर प्रोफेसर रामनाथन जी, इन सभी ने इस पे बहुत विचार किया है, बहुत ग्रंथों पे विचार किया और शास्त्र और प्रयोग को जोड़ने की बहुत कोशिश करी है, और उसका नतीजा भी, उसके फलस्वरूप नतीजा भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से लाभदायक हुआ है आज की पीढ़ी के लिए। जैसे कि आपने बताया कि संगीत वेदों और उपवेदों में ब्राह्मणी और अरण्य ग्रंथों में आपने उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाला, गांधर्व संगीत के बारे में आपने जो कहा, इसमें मुझे ध्यान आता है कि हम लोग अक्सर मार्गदेशी की बातें करते रहते हैं, तो आज भी चाहे मार्गदेशी में अंतर इतना नहीं है शायद जो पहले था, मगर मार्गदेशी ये शब्द आज भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। और ये मार्ग संगीत को पहले गंधर्व संगीत ही कहा जाता था क्योंकि ब्रह्मा से निकल कर आया था, और देशी संगीत जनप्रिय था यानी हृदय रंजक संगीत था। इसके बारे में भी विभिन्न हमें ग्रंथों से इसका विवरण मिलता है, जैसे बृहदेशी में सबसे पहले जैसे इसका विवरण मिलता है कि इस देशी को ध्वनि से जोड़ा गया था, और साथ ही संगीत जो लोकप्रिय है जिसे बच्चे स्त्रियाँ ग्वाले और राजा भी प्रसन्न होके गाते थे, जिसमें वो एक श्लोक है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, जिसमें अबला बाल गोपाल ही श्रितिपाल एर करके एक श्लोक है, वो इसी को दर्शाता है। इसी तरह जंतुओं को प्रसन्नता करना, सभी जंतुओं को प्रफुल्लित करता है
और नाना विदेशु देशेषु जंतुनाम सुखदो भवेत करके जो श्लोक है, इन सब से हमें देशी संगीत का तब से मतंग के समय से ही हमें आज तक, यानी आप देखेंगे आज के 16वीं 17वीं शताब्दी तक इसका उल्लेख, यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी तक भी मैं कहूँगी हमें इसका उल्लेख मिलता है जगह जगह पर। इसी तरह आपने गीतवाद्य नृत्य का जो है समावेश वेदों में जिस तरह से उसका उल्लेख किया है उसके बारे में भी आपने हमें बताया है, और दैविका और मानुषी वीणा जो हम मेरे ख्याल से संगीत से जुड़े आज की पूरी पीढ़ी जो है, आप समझे, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा कि वो भी शोध करता है तो इस बात को काफ़ी गहन रूप से उस बात को वो समझते हैं, मानुषी वीणा और दैविका वीणा। फिर उसके अलावा आपने स्वर को स्वतः रंजन हो जो सुख इंद्रियों से है और आत्मा का जो आनंद है, जो सुख जो तरह से स्वर का जो आनंद है और स्वर का जो सुख है, इन दोनों में आपने जो अंतर बताया ये बहुत ही एक, मुझे लगता है एक बहुत ही सही तरह से एक व्याख्या है, इन दोनों की एनालिसिस है कि स्वर से जब तक हमारे अंदर के जो भाव है उसमें रंजकता पैदा नहीं होती, ऊपर ऊपर से केवल जिसको बोलते हैं ना आज के संगीत में अक्सर जो हमें मिलता है वो केवल वो रंजकता नहीं है, हमारे अंदर के भाव को वो स्वर जो है उस हमारे अंदर के भाव को निकाल के लाने का उसमें वो शक्ति, वो एक पावर होनी चाहिए, वो स्वर है। तो ये आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया। और श्रुति जो है आपने जैसे बताया परंपरा घराने और लिपि घरानों के बारे में थोड़ी सी अपनी दृष्टि बताई। संस्कृत पांडुलिपियों में जैसे आपने बताया कि 39 संगीत पांडुलिपि आपको मिले आपके अध्ययन के दौरान, आपने अध्ययन किए हैं उसके बारे में आपने थोड़ा सा हमें जानकारी दी। इसके अलावा आपने कई ग्रंथों के ऊपर आप शायद एनालिसिस कर रहे हैं, आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसका अध्ययन किया है, 132 शायद ग्रंथ अगर मैं सही हूँ तो आपने अभी बताया मुझे। फिर आपने कुछ बताया कि पब्लिकेशंस की चैलेंजेस क्या हो सकती हैं, कि जैसे शास्त्र और संगीत दोनों का अभ्यास हो तब आप एक ग्रंथ को सही ढंग से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। केवल शास्त्र के बारे में अगर आप जानते हैं और संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी रखो तो शायद ये पूर्ण नहीं होता। इसी तरह संगीत को अच्छी तरह जानते हैं और शास्त्र के बिल्कुल आप बिल्कुल हटे हुए हैं, उससे परे हैं, तो भी आपको पूरा ज्ञान संगीत का नहीं मिलता। ये आपने बहुत सही बात कही है। और फिर आपने कृत साहित्य और श्रोत साहित्य के बारे में भी अपनी दृष्टिकोण रखी। तीन तरह की श्रेणी जो पाठ के संपादन के लिए बहुत जरूरी है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसके विषय में आपने बताया। फिर आपने संगीत मकरंद के संपादन के विषय में जो चुनौतियां आ रही हैं उसमें विशेष रूप से आपने जो बताया रूढ़िवादक का आपका वहां पे जिक्र आया था, आपने बताया वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो है हम जब उसको एनालिसिस करते हैं ये बात सही है कि जो रिसेंशंस जिनको हम बोलते हैं टेक्स्ट्स एंड उसके रिसेंशंस में अक्सर जब हम अपनी अभिव्यक्ति उसमें लिखते हैं तो जरूरी नहीं है वो अभिव्यक्ति सही हो, हमारा अध्ययन और हमारे बाद का जो अध्ययन होता है उसमें अंतर आ सकता है, मगर कम से कम वो अध्ययन जो है एक एक टेक्स्ट को आगे लेके चलता है, उसको जीवित करता है, रखता है, नहीं तो वो टेक्स्ट बिल्कुल एक जैसे कि बोलते हैं डेड फॉसिल की तरह हो जाता है। और उसी का जैसे आपने बोला है कि इन ग्रंथों को जब तक हम पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं तो इसके प्रयोग में हमें लाने में बहुत असमर्थ हो जाते हैं। जैसे आज की पीढ़ी जो है कलाकार, हमारे विवादी बहुत सारे ऐसे स्वर हैं दक्षिण भारत के संगीत में जो विवादी स्वर वाले ऐसे राग हैं जिनको कभी किसी ने प्रयोग नहीं किया था, और आज जो है उन विवादी स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन स्वरों का उपयोग बहुत कलाकार अपने प्रस्तुतियों में रख रहे हैं। तो ये भी एक नयापन है, और नयापन में इनोवेशन या जो भी है आप कहें इसको, ये संगीत को आगे बढ़ा रहा है, ना कि वहाँ पे उसको उसकी जो डेवलपमेंट है उसको किसी तरह से वो रोक रहा है। और इस तरह से आपने जो जैसे कि कई विद्वानों ने
पांडुलिपियों का जो अध्ययन किया, पुनरावलोकन किया है और कई निष्कर्ष पर पहुंचे भी हैं। जैसे छंद एक आधार है जो मेरी समझ में आया है, उस आधार पे जो अध्ययन किया है उससे कई विद्वानों का ये कहना है कि रचनाकारों की पुष्टि काफी हद तक उपयुक्त मिलता है। उसकी जानकारी उनके छंद के ग्रंथों में, जो छंद के अनुसार उन्होंने जो लिखे हैं ग्रंथ, उस ग्रंथ छंद को भी समझने से हमें काफी उस ग्रंथ के रचनाकार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। और मैं इसमें ये भी कहूंगी कि केरल के बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्ट ट्रेडिशंस है जहाँ आज भी संगीत की तौरत्रिका आज भी जीवित है उसके कलाओं में। इसी तरह जो वृत्त है, जो छंद है जिसको हम वृत्ता बोलते हैं, मंजरी वृत्ता है, 22 अक्षरों का है जो 12-12 में बटा हुआ है, केक वृत्ता है, फिर उसके अलावा श्लतकाकली वृत्ता है, ये सब वृत्त हैं जिसके बेसिस में परफॉर्मिंग ट्रेडिशंस आज भी वहाँ जीवित हैं। तो ये जो शास्त्र और प्रयोग जो है ये साथ साथ चलता है। कभी कभी शास्त्र पीछे रह जाता है और कला आगे बढ़ जाती है, और कभी कभी शास्त्र आगे बढ़ता है तो कला थोड़ी पीछे रह जाती है। ये शायद हर पीढ़ी में थोड़ा बहुत इसका बदलाव आता है। तो अंत में मैं ये केवल ये कहना चाहती हूँ कि लिखित पांडुलिपियां अतीत की कई कला परंपराओं को जोड़ती हैं। इन पांडुलिपियों का संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से हमारे स्वयं की, हम सब की, ये हमारी और नैतिक, ये हमारे एक शोधकर्ता और कलाकार का एक नैतिक रूप है कि इन पांडुलिपियों की सुरक्षा का बोध रहे और उनके सही व्याख्यान का दायित्व भी हम सब के ऊपर है। और इसी तरह से मैं कहूंगी कि ये जो संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट मिशन का ये जो एक उद्देश्य है वो भी इसी तरह स्थापित हुई है, पर ये हम सब के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जहाँ तक हो सके जितनी भी ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध हैं उन ग्रंथों की हम सुरक्षा रखें, उनको सही ढंग से अध्ययन करें और उनका विश्लेषण और व्याख्यान करें। इस बात इसके इसके साथ मैं सब धन्यवाद करना चाहूँगी। आप दोनों विद्वानों ने जिस तरह से इस विशाल विषय को इतने छोटे समय के अंदर में नियोजित किया है, ये अपने आप में अद्भुत है। मैं शुक्ल जी से केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि जब वो अपना पेपर भेजें तो किन किन ग्रंथों का क्रिटिकल एडिशन अभी नहीं निकल चुका है अगर उसकी लिस्ट, और कौन कौन से लोग अभी भारत में हैं जो इसके ऊपर में काम कर सकते हैं, वो भी अगर मिशन को भेजें तो मिशन इसके ऊपर में फर्दर इस काम को आगे ले जा सकता है। इसकी उपयोगिता के बारे में आपने बताया। IGNCA में पब्लिकेशंस की बहुत बड़ी सीरीज है, उसमें से कई ग्रंथों का जो इसमें आपने वर्णन भी किया है शुक्ल जी ने, वो IGNCA ने पब्लिश किया हुआ है। हम जनरली कपिला जी से जब पूछते थे कि मैडम इन ग्रंथों को हम क्यों पब्लिश कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो हमेशा यही बोलती थी कि आज के लिए नहीं है, आज से 300 साल के बाद जब तुम नहीं रहोगे तब इस ग्रंथों की उपयोगिता है। तो इस ट्रेडिशन को हमें किसी भी हाल में कंटिन्यू रखनी है, और आज आप लोगों जैसे विद्वान ही वो हमें इस रास्ते में हमें गाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह से इन पब्लिकेशंस के कार्यक्रम को आगे लेकर के जा सकें। इसके साथ ही मैं आप दोनों लोगों का बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ अपने सदस्य सचिव महोदय का जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया, और हमेशा उनका प्रोत्साहन मिलता रहता है इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए। मैं सभी श्रोताओं का भी आभारी हूँ, वो अभी तक आज लेट होने के बावजूद भी हमारे साथ जुड़े रहे, और खास करके डॉक्टर संगमित्रा बसु, डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, सुमित डे जी और NMM टीम का मैं आभारी हूँ कि उन लोगों ने इस प्रोग्राम को ठीक से ऑर्गेनाइज किया और आप लोगों को बुला पाए। थैंक यू, नमस्ते।